में बॉबी झा एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। सीएम योगी ने कहा, देश में संकट आने पर राहुल को आती है नानी की याद। प्रियंका ने कहा है, उनकी पार्टी वोट काटने के लिए लड़ रही है चुनाव। सीएम योगी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने खुद कह दिया है कि उनकी पार्टी वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है। बोले कि कांग्रेस का हर प्रत्याशी वोट कटवा की भूमि में है। बोले कि काशी धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी ही नहीं है, अब व्यापार का बड़ा सेंटर भी है। जब देश का नेतृत्व कमजोर होता है तो देश में अराजकता और आतंकवाद बढ़ता है। एक तरफ देश में मोदी ने नेतृत्व है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। कहा कि जब देश पर कोई संकट पड़ता है तो राहुल को अपनी नानी याद आती है और वे इटली भाग जाते हैं। 1947 में गांधी जी ने कहा था, अब कांग्रेस को समाप्त कर दो, किसी ने नहीं सुना, लेकिन राहुल इस सपने को पूरा करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों को विकास से मतलब नहीं, उनके एजेंडे में विकास नहीं है। जनसभा में मुख्य अतिथि सीएम योगी को भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दरमियान मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, रोहिणिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, राज्य मंत्री श्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, जिला महामंत्री प्रभात सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, चुनाव प्रभारी प्रवीण सिंह गौतम, रमाशंकर गुप्ता, अजय दुबे आदि लोग मौजूद थे। बोले कि पीएम मोदी काशी में भाषण देते हैं और इस्लामाबाद में इमरान को पसीना आता है। अपराधी की जगह प्रदेश में नहीं होगी, अपराधी की जगह जेल में होगी। जिनको अपना परिवार भरना है, अपने परिवार के लिए कमाना है, वो लोगों की क्या चिंता करेंगे। ये पार्टियां देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले को देती है टिकट। कांग्रेस ने सहारनपुर से ऐसा प्रत्याशी उतारा जो पीएम मोदी की सुपारी देने की बात करता है। समाजवादी पार्टी ने बनारस से ऐसे प्रत्याशी को उतारने का प्रयास किया जो पीएम मोदी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। समाजवादी पार्टी ने काशी अयोध्या में आतंकी घटना करने वाले लोगों के मुकदमे वापस लिए। ऐसी पार्टियां ही देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले को टिकट देती है। कहा कि प्रियंका गांधी की बात सुनकर कुछ साल पहले याद आ गया मोहनोचवा का हल्ला था, आज कांग्रेस उसी मोहनोचवा का दूसरा रूप है। वोट कटवा की भूमिका में लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया नेता आदि अपने काम से यश पाता है तो उस नेता को चुनने वाली जनता भी भागीदार होती है, और अगर गलत का चुनाव होता है तो गलती भी जनता को भुगतनी पड़ती है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।